हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ बिल्कुल बाज़ार जैसी बनने वाली पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाज़ार में मिलने वाली पाव भाजी या फिर कहिए कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी यानी बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी पाव भाजी हम घर पे बना के तैयार करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, तो रेसिपी पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सब्जियां हम लेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से आलू, फूल गोभी, गाजर, थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने लिया है यहाँ पे, और एकदम अच्छा सा कलर लाने के लिए यहाँ पे बीट रूट लिया है मैंने। अगर आप बीट रूट नहीं खाते हैं या आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप बीट रूट अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हमें एक प्रेशर कुकर लेना है, और क्या करना है, ये जो सारी सब्जियाँ हैं ना, हम इस प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून जितना इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और 2 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम सब्जियों को प्रेशर कुक करेंगे 4 से 5 विसल आने तक का। तो यहाँ पे हमारी जो सब्जियाँ हैं बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेशर कुक हो गई है। सारी सब्जियां जो हैं बहुत अच्छे से कुक हो गई है। जब हम इसे मैश करेंगे, ये बहुत ही आसान तरीके से मैश हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम एक ये जो पोटैटो मैशर होता है, इस तरह से लेके हम इस तरह से सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है आप बिल्कुल इसी टाइम ही कीजिएगा, ताकि जो सब्जियाँ जो है इस वक्त गर्म है बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और 2 टेबलस्पून साथ में इसमें हम बटर ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें ऑयल इसलिए डाला है ताकि बटर जो है जले नहीं। अब इसमें हमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा जैसे ही अच्छे से क्रैकल हो जाए, तब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक का फ्राई करेंगे। प्याज जो है लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं, और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए जब तक इसका रॉ स्मेल ना चला जाए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 बारीक कटे हुए टमाटर। अब इसके साथ ही इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ताकि जो टमाटर है एकदम जल्दी से कुक हो जाए। बहुत ज़्यादा नमक ऐड ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस टमाटर को हमें अच्छी तरह से मैश होने तक का कुक करना है। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर जो है हमारा कितनी अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और इसके साथ में ही 1/2 कप हम मटर ऐड करेंगे। मिक्स कर लें इन सारी चीज़ों को। इसके साथ में ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। पाव भाजी मसाला आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमें 2 टीस्पून भर के इसमें ऐड करना है। अब इसमें हम 1.5 बड़े टेबलस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी। इससे जो फ्लेवर है ना भाजी का, एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और इन सारी चीज़ों के साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, ताकि जो मसाले हैं हमारे जले नहीं। बस मिक्स कर दीजिए, और इन सारे मसाले को और सब्जियों को अच्छे से हमें भूनना है। मसाले को भूनते हुए साथ साथ में आप इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से मसाले को और सब्जियों को मैश करते जाइएगा, ताकि जो ये टमाटर है और ग्रीन पीस है, कैप्सिकम है, सब अच्छे से मैश हो जाए। अब ढक्कन लगा के कम 3 से 4 मिनट इन सारी चीज़ों को आप कुक कर लीजिए। और अब ये जो हमने पोटैटो मैशर लिया था, इस तरह से उसे लेके सारी सब्जियों को हम मैश करेंगे। तो मटर जो है काफ़ी अच्छे से एकदम मैश हो गई है। अब इसमें हमने जो सब्जियां उबाल के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। मिक्स कर लीजिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से। और जब भी आप पाव भाजी बनाते हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से फ्लैट पैन में बनाइए। फ्लैट पैन में अगर आप भाजी बनाते हैं तो इस तरह से मैश करने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो बस इस तरह से हमें एक बार और सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेना है, और लिड लगा के कम 4 से 5 मिनट के लिए आप सारी सब्जियों को और मसालों को कुक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, हमारी जो भाजी है बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है इतनी थिकनेस। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा और आप पानी ऐड कर सकते हैं। बस फाइनली इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हरी धनिया। इस टाइम में इसमें आप बटर भी ऐड कर सकते हो।
अब हमें लेना है एक तवा और तवे में हम बिल्कुल अच्छे तरह से इसमें हम मक्खन लगाएंगे। इसके साथ में ही एक बड़ा टेबलस्पून इसमें जो हमने भाजी बनाई है ना वो ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी और बिल्कुल फ्रेश पाव लीजिएगा। इस तरह से पाव को मैंने बीच से कट कर दिया है और मसाले के ऊपर आप इस तरह से लगा के सेक लीजिए। ऐसा करने से इस तरह से मसाला जो है बिल्कुल पाव में अच्छे से लग जाएगा और पाव का टेस्ट एकदम डबल हो जाएगा। थोड़ा सा और हम इसमें बटर ऐड कर देते हैं, एकदम बटरी पाव बनके तैयार होगा। तो लीजिए हमारा जो पाव है ये बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। इसे आप गर्मा गर्म भाजी के साथ में और थोड़ा सा मैंने प्याज और नींबू यहाँ पे काट के रखा हुआ है, प्याज और नींबू के साथ में पाव भाजी को आप सर्व कीजिए। बिल्कुल गर्मा गर्म खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है ये मेरी। और अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।